आप देख रहे हैं न्यूज 18, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इधर कानपुर के रहने वाले सेना के एक जवान की डेड बॉडी मिली है अंबाला में। अंबाला कैंट के पास रेलवे लाइन पर संदिग्ध परिस्थितियों में ये डेड बॉडी मिली है। सेना का ये जवान पवन कुमार अंबाला कैंट में ही पोस्टेड था और 6 सितंबर से लापता था। पवन बुधवार को कानपुर से अंबाला के लिए रवाना हुआ था, लेकिन अपनी यूनिट पहुंचा नहीं, जिसके बाद उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई थी। वहीं इस बीच जवान की पत्नी के फोन पर जवान के ही फोन से एक मैसेज आया, जिसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। दरअसल इस मैसेज में लिखा है कि मैंने आपके पति को खुदा के पास भेज दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जो करना चाहे वो कर ले, अपने सैनिक को बचा सकते हो तो बचा लो, इस तरह की धमकी भरा मैसेज आया है। वहीं शुरुआती जांच में पता चला है कि पवन की बॉडी पर गंभीर चोट भी थी। उधर पुलिस के अलावा आर्मी ने भी अपने स्तर पर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो अब इस मैसेज के क्या मायने हैं, क्या ये मैसेज उसी शख्स ने किया है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है, या फिर गुमराह करने के लिए इस तरह का मैसेज किया गया है, वजह क्या है हत्या की, ये भी अभी तक साफ नहीं। हरियाणा के अंबाला जिले में तैनात पवन शंकर का शव इसी ट्रैक पर मिला है। हालांकि कई ऐसी चीजें अब इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही है, जिसको लेकर लगातार फौज के अधिकारी भी और GRF लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि पोस्टमार्टम करा दिया गया है पवन शंकर का, लेकिन जो उनकी पत्नी को मैसेज आया है आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस तरह का एक मैसेज आया है, उसने जरूर कहीं ना कहीं हड़कंप मचा दिया, जिसको लेकर लगातार सुरक्षा एजेंसीज भी अलर्ट मोड पे है और इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि आखिर पवन शंकर का मोबाइल कहां गायब हुआ, क्योंकि उन्हीं के मोबाइल से उनकी वाइफ को मैसेज भेजा गया था। मॉर्चरी में उनका शव रखवाया था, उनका पोस्टमार्टम करा दिया गया है। डॉक्टर्स के तीन डॉक्टर्स का पैनल्स ने एक पोस्टमार्टम किया है। उनके काफी इंजरी सामने आई है, हेड इंजरी काफी ज्यादा है। हालांकि बताया जा रहा है कि ट्रेन की चपेट में हो सकता है कि आकर हुआ है, लेकिन दूसरी साइड इन्वेस्टिगेशन का पार्ट यह है कि आखिर वो मैसेज किसने भेजा, ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर लगातार जांच जारी है। खुद मामला जो है वो दर्ज हो चुका है पुलिस स्टेशन में, पड़ाव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और एक एक पॉइंट पे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, क्योंकि ये मामला फौज से जुड़ा है, सेना से जुड़ा है और जिस तरह से जो मैसेज सामने आया है उसको लेकर भी लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और परिवार का साफ तौर पर कहना है कि इसकी पूरा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि आखिर इसके पीछे कौन है, क्योंकि पवन शंकर को किसी भी तरह से कोई स्ट्रेस नहीं था, किसी भी तरह से कोई मानसिक परेशानी नहीं थी और वो 2022 में ही अंबाला यूनिट में सेना में यहां पर उनकी पोस्टिंग हुई थी। पीछे से वो उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं और दो दिन पहले यानी कि बुधवार को अचानक वो गायब हुए थे और उसके बाद उनका शव यही इसी प्लेटफॉर्म पर अचानक जो रेलवे लाइन के पास है वहां पर मिला था। यानी कि घर से करीब करीब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर उनका शव बरामद हुआ था और उसके बाद ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू हो चुकी है। अंबाला से कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज 18 पंजाब। और इस वक्त हमारे सहयोगी मनोज राठी फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, इस बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन अभी तक सेना के जवान और पुलिस हासिल कर पाई है? देखिए बिल्कुल, इस ये क्योंकि मामला काफी गंभीर है, काफी सेंसिटिव है, आर्मी से जुड़ा ये मामला अब सामने आया है, क्योंकि एक मैसेज से जरूर हड़कंप मचा है। अब इसमें GRP पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, साथ के साथ सेना के जो अधिकारी हैं वो भी इस पूरे मामले की अब इन्वेस्टिगेशन में जुड़ गए हैं कि आखिर जो पवन शंकर जिसकी मौत हुई है, जिसकी बॉडी रिकवर की गई है, उसका मोबाइल कहाँ गया और किसने मोबाइल से उसके मैसेज भेजा उसकी वाइफ के व्हाट्सएप नंबर पर, और इस जो मैसेज भेजा है ये धमकी भरा मैसेज है, इसके मायने क्या है, आखिर कौन है, कोई गुमराह तो नहीं कर रहा, क्योंकि पवन शंकर 2022 में इस यूनिट में पोस्टिंग हुआ था। पीछे बिल्कुल सवाल अभी यही है, सवाल यही है मनोज कि क्या ये मैसेज वाकई वही वजह, हत्या के पीछे जो वजह है उस मैसेज में जो लिखा है वही है, या फिर गुमराह करने के लिए ऐसा मैसेज किया गया? क्योंकि किसी भी कत्ल की गुत्थी को जब सुलझाना होता है तो बहुत जरूरी हो जाता है इस सवाल का जवाब कि हत्या की वजह क्या, उस वजह के जरिए कातिल तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन यहां पर ऐसा लगता है कि गुमराह करने की कोशिश है। फिलहाल अगर फोन को पुलिस हासिल कर पाए तो उसके बाद चीजें थोड़ी आसान होंगी। धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो अंबाला कैंट में तैनात थे पवन कुमार, जिनकी डेड बॉडी मिली है ट्रैक पर। वो कानपुर से छुट्टियां बिताकर अंबाला के लिए निकले थे, लेकिन वहां पहुंचे नहीं, मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, अब उनकी डेड बॉडी मिली है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है।